एक स्टेटमेंट जो एचडीएफसी कैपिटल लिमिटेड के चेयरमैन हैं मिस्टर पारेख ने वो दी है, उसमें उन्होंने उस इंटरव्यू में बताया कि आज जो डिमांड है वो सबसे ज्यादा लो कॉस्ट हाउसिंग में है। ऐसी चर्चा मैं आपसे पहले भी करता रहा हूं, इवन आप इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन भी इस बात को रिकॉग्नाइज कर रही है कि आने वाला जो वक्त है वो लो कॉस्ट हाउसिंग का है, अफोर्डेबल हाउसिंग का है। हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 का जो मिशन मोदी जी के गवर्नमेंट का है उसका एक ही सपना है कि हर परिवार को एक घर मिले, और इसी बात को इन्होंने रिकॉग्नाइज किया है कि जितनी सबसे ज़्यादा जो डिमांड है इस वक्त वो अफोर्डेबल हाउसिंग और लो कॉस्ट हाउसिंग में चल रही है, और ये चीज़ें हमारे जितने प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं उनमें कहीं ना कहीं ये चीज़ रिफ्लेक्ट भी हो रही है कि जितने भी फ्लैट्स हम लॉन्च कर रहे हैं वो मल्टीपल टाइम सब्सक्राइब हो रहा है। तो ये सबसे बड़ा इसका एक और रिकॉग्निशन है। तीसरी बड़ी बात, धीरे धीरे रियल एस्टेट अब एक सेटलमेंट की तरफ जा रहा है, कहीं ना कहीं जो लोगों के अंदर विश्वास है वो और बढ़ता जा रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जो डिमांड है वो और ज़्यादा बढ़ने वाली है, खास करके LIG और MIG सेगमेंट की। प्रीमियम सेगमेंट की हम बात करें तो उसमें अभी थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन LIG सेगमेंट की ऑलरेडी डिमांड है। MIG सेगमेंट जो एंट्री लेवल MIG सेगमेंट है वो भी कहीं ना कहीं लोग अब उसकी तरफ अपना रुझान दिखा रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेट लोगों को घर तो चाहिए। केवल एक जो विश्वास था वो कहीं ना कहीं थोड़ा लोगों का डिच हुआ था, जिसमें कुछ ना कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि वो उस जिस डेवलपर को पैसा दे रहे हैं उससे उनका मकान मिलेगा नहीं मिलेगा। मुझे लगता है रेरा आने के बाद ये चीज़ें कहीं ना कहीं अब उनके सवालों के जवाब दे पा रही हैं, और जितने भी जो डेवलपर हैं वो अब सीरियस डेवलपर ही इस इंडस्ट्री में इस वक्त काम कर रहे हैं, नॉन सीरियस प्लेयर्स के लिए अभी जगह नहीं है। तो ये बड़ी बात है।